एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं एकता समाचार के माध्यम से सागवाड़ा नगर की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि हमारे शहर के सारे 36 कौमों के लोग समृद्धि करें, उत्तरोत्तर वृद्धि करें, प्रभु उनको हमेशा खुश रखे। और दीपावली पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया है, हम उनको दीपावली की नव वर्ष की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी से नगर के नागरिकों से हम निवेदन करते हैं, हमारे सारे पार्षदगण, प्रतिपक्ष के नेता भी अभी हमारे साथ हैं, हमारे कांग्रेस के पार्षद भी साथ हैं, सभी ये चाहते हैं कि हम इस नगर को बहुत सुंदर बनाएं आपके सहयोग से। यही मैं कहना चाहता हूँ नव वर्ष के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे विपक्ष के भाई हरी जी भी हमारे साथ में है। भाई साहब, आज सागवाड़ा का नवोच्चार हो रहा है, सागवाड़ा एक हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है, तो बताइए इसके बारे में। सागवाड़ा पहले से ही आगे बढ़ा हुआ ही है। हमारे सागवाड़ा में हम सब भी 3600 कौम कहे सभी मिलजुल के ही रहते हैं। रामलाल जी दलाल, और हाँ, हम 1948 से रामलाल जी दलाल के समय से साथ में ही हैं सभी। हमारे अंदर कोई भिन्नता नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं है। इसलिए हम यहाँ सागवाड़ा में एकत्र हुए हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सागवाड़ा फले फूले, समृद्धिशाली बने और हमारे नगर के लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। एकता की मिसाल पेश करने वाले हमारे साथ में मुल्ला जी भी हैं। तो बताइए, आज सागवाड़ा आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। पहले तो एकता समाचार का मैं देना चाहूँगा और सागवाड़ा नगर के लिए हमारे से पहले ही आप कल चर्चा कर चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं सागवाड़ा की एकता की मिसाल, सद्भावना सागवाड़ा के प्रति लोगों की और सागवाड़ा के प्रति लोगों का रुझान आप देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल है। पहली बार सागवाड़ा में हम इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा क्राउड हमको कल रात को देखने मिला और आगे भी इसी तरह की आशा करते हैं। धन्यवाद। सागवाड़ा की समस्त जनता को नव वर्ष एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में 2021 में आने वाला समय सागवाड़ा के लिए सुनहरा सपनों की तरह होगा और भविष्य में बहुत अच्छी सागवाड़ा की सुंदरता देखने मिलेगी। हम सब सामूहिक रूप से सागवाड़ा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही हमारे चेयरमैन साहब एवं सभी पार्षदगण कंधे से कंधा मिला करके सागवाड़ा के विकास में संपूर्ण जो भी योगदान देना पड़ रहा है करेंगे और आगे भी अच्छे से अच्छे बजट सरकार आएगी और इस नगर पालिका के विकास के साथ साथ जनता का सहयोग जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं वैसा करने में कामयाब रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सेकंड मैं यूँ कह रहा हूँ, अपने हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्वच्छता मिशन को हमारे यहाँ हम मिलजुल करके हमारे 4100 पार्षद मिल करके हम यहाँ उसको सफल बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और यह सफल होगा। हमारे इस बीच में कलाशुआ जी आपसे बात करेंगे। एकता समाचार के माध्यम से मैं समस्त धर्म समाज के सभी भाइयों को, बहनों को, सबको नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य की सबकी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।